हेलो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फोर्टीन मैंसन वन ठीक है इसके अंदर हम लोग रेक्टेंगल पेरेलोग्राम ये सारी चीज पढ़ेंगे रेक्टेंगल मीन्स विच टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट साइड मीन्स ये जो साइड है ये इसके इक्वल है ठीक है इसी टाइप से ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि इसके अपोजिट ये है इसके अपोजिट ये है और रेक्टेंगल में क्या होते हैं ऑल एंगल आर इक्वल ऑल एंगल आर इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ये सारे एंगल जो है वो किसके इक्वल है नाइन्टी डिग्री के इक्वल होते हैं रेक्ट में पेलेलोग्राम भी रेक्ट के जैसा होता है बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है पेलेलोग्राम में भी क्या है विच टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल ये साइड इसके इक्वल है ये साइड इसके इक्वल है ठीक है और इसमें क्या होता है जैसे इसमें ऑल एंगल इक्वल टू नाइनटी डिग्री इसमें क्या होता है अपोजिट एंगल आर इक्वल मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो ये हो गया पेरलेलोग्राम अब यहाँ पे दिया है इम्पॉर्टेंट फार्मूला एरिया ऑफ पेरलेलोग्राम का फार्मूला क्या होता है बेस इनटू हाइट हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं हाइट को हम लोग पर पेंडिकुलर ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया है तो हाइट के प्लेस में इसका वैल्यू पुट करेंगे अब इसी को ट्रांसफर कर करके ये दो फॉर्मूला और बन गए हैं एरिया ऑफ पेलेलोग्राम इक्वल बेस इनटू हाइट अब अगर बेस फाइंड करना है तो बेस ऑफ पेलेलोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैलेलोग्राम हाइट को ट्रांसफर किया तो डिवाइड में आ गया ठीक है अब इसी टाइप से ये बेस का बन गया तो हाइट का हाइट का बनाने के लिए बेस ट्रांसफर करेंगे तो बेस डिवाइड में आ जाएगा हाइट ऑफ पैलेलोग्राम इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला ठीक है तो चैप्टर फोर्टीन में कितने फॉर्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट है एरिया ऑफ रूमबस क्या होगा एरिया ऑफ रूमबस भी बेस इंटू हाइट होता है और एरिया ऑफ पैरलेलो ग्राम लो ग्राम दोनों का फॉर्मूला क्या है? Base into height, into होता है बेस इंटू हाइट ठीक है द डायगोनल ऑफ रुम्बस डिवाइड द रुम्बस इंटू टू इक्वल ट्राइंगल जो रूम्बस होता है ठीक है तो रूमबस का क्या है रुम्बस में जो ये डायगोनल होते हैं ठीक है थीके? वो ट्रायंगल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है थीके? अब देखो डायगोनल बनाए तो ये जो है वो ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल जो है सारे ट्रायंगल इक्वल होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वन बाय टू बेस इंटू हाइट देखो बेस इंटू हाइट है बस ट्रायंगल है तो वन बाय टू हो गया एरिया ऑफ रुम्बस क्या होगा वन बाय टू डायगोनल वन इंटू डायगोनल टू ये हो गया एरिया ऑफ रुम्बस ठीक है सॉरी यहाँ पे पहले लो ग्राम होगा एरिया ऑफ पेरेलोग्राम बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ रोमल टू एरिया एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्कवाई आर तो इतने फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होने वाले अब एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट वन देखते क्या है एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट वन फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरलेलोग्राम हाइट आर एस्ट फॉलो इसमें हम लोग को एरिया ऑफ पेरलेलोग्राम फाइंड करना है तो एरिया ऑफ पेरलेलोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बेस इन टू हाइट यहाँ क्वेश्चन में बेस एंड परपेंडिकुलर दिया है तो कन्फ्यूज नहीं होना है मैं जैसे बताई परपेंडिकुलर और हाइट सेम होते हैं जैसे कि यहाँ पे हाइट के प्लेस में ही परपेंडिकुलर भी लिखते हैं ठीक है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ओनली फॉर्मुला लिख के सॉल्व कर लेना है बेस है सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है टेन सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ क्या होगा बेस बेस परपेंडिकुलर के प्लेस में फिफ्टीन लिखे परपेंडिकुलर क्या है टेन फिफ्टीन टेन जहां फिफ्टी स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो गया हमारा आंसर सेकंड में क्या है बेस है नाइन्टी सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है एट सेंटीमीटर एरिया ऑफ पेरेलोग्राम क्या होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80 ज जीरो 89 ज जीवन्ती तू तो आंसर क्या आ रहा है 720 स्क्वायर सेंटीमीटर थर्ड है हाँ थर्ड क्या है बेस 120 सेंटीमीटर परपंक्तिकूल क्या है 15 सेंटीमीटर इसमें भी एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ पेलेलोग्राम बेस इंटू परपेंडिकुलर बेस है ट्वेंटी पर पेंटिकुलर फिफ्टीन फिफ्टीन जीरो फिर थ्री कैरी आ गया फिफ्टीन बन जाए स्क्वायर सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ पेलेलोग्राम क्या होगा एटीन हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर टू क्या देख लेते हैं एरिया ऑफ पेलेवेंटिकुलर ऑलरेडी गिवन है देखो तो, बेस क्या है ट्वेंटी परपेंडिकुलर क्या है सेवन सेंटीमीटर और फॉर्मुला क्या होता है एरिया ऑफ पेलेलोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर बेस है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव परपेंडिकुलर पेंटिकुलर से फाइव जा थर्टी फाइव फाइव थ्री आ गया कैरी सेवन सिक्स जा फोर्टी फोर्टी टू फोर्टी टू ठीक है और फोर्टी टू और यह कैरी थ्री ऐड कर लिए तो फोर्टी फाइव फाइव फोर आ गया कैरी सेवन टू जा फोर्टीन फोर्टीन प्लस फोर एटीन तो आंसर क्या आ रहा है एरिया ऑफ पैलेलोग्राम वन हंड्रेड एट्टी फाइव पॉइंट फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो गया हमारा ठीक है अब क्वेश्चन नंबर देखते क्या है फाइंड आउट द बेस ऑफ पेलेलोग्राम थ्री हंड्रेड नाइन्टी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर इज ट्वेंटी अभी हम लोग को बेस फाइंड करना है तो बेस का फॉर्मुला यूज कर लेंगे यहाँ पे देखो एरिया ऑफ पेलेलोग्राम है थ्री हंड्रेड नाइन्टी सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर ठीक है तो इसमें हम लोग को बेस फाइंड करना है तो देखो इसमें एरिया ऑफ पेलेलोग्राम वाले फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट करके और अब देखो पहले हम लोग फार्मूला लिखे एरिया ऑफ पेलेलोग्राम बेस इनटू परपेंडिकुलर फाइंड क्या करना है बेस तो परपेंडिकुलर को ट्रांसफर कर देंगे तो डिवाइड में आ गया एरिया ऑफ़ पेलेलोग्राम क्या है थ्री हंड्रेड नाइन्टी स्क्वायर सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर क्या है ट्वेंटी सिक्स तो इसको डिवाइड कर लेते हैं थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन जीरो जा जीरो टू वन जा टू एंड टू फाइव जै टेन कितना आ रहा है फिफ्टीन सेंटी मीटर तो बेस कितना है फिफ्टीन सेंटी मीटर लास्ट है क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड आउट द परपेंडिकुलर ऑफ पेलेलोग्राम विथ एरिया इज 1200 हंड्रेड स्क्वायर मीटर एंड बेस इज सिक्सटी मीटर अभी हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूला यूज कर लेंगे अब देखो यहाँ पे एरिया कितना है टूवेल्व हंड्रेड स्क्वायर मीटर एंड बेस इज सिक्सटी मीटर फार्मूला क्या है एरिया ऑफ पैलेलोग्राम इज इक्वल टू बेस इन टू पर बेस के प्लेस में बेस का वैल्यू लिखे सिक्सटी एंड एरिया के प्लेस में एरिया का वैल्यू सिक्सटी को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ जाएगा सिक्सटी था सॉरी ठीक है जीरो जीरो के आंसर सिक्स टू या टू वेल्थ सिक्स जीरो या जीरो तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है ट्वेंटी मीटर ये हो गया हमारा आंसर ठीक है तो एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट वन हमारा कंप्लीट हो गया आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू